चलो तो देखते हैं हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट छुपा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी हम लोग कोई नया सामान खरीद लेते हैं और उस सामान को पड़ता छोड़ देते हैं, तो पड़ता छोड़ देने के बाद नुकसान हम लोग अपना खुद कर बैठते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट वे क्वेश्चन बना है कि एक मशीन को खरीदा गया था 7,000 में, 7,000 में खरीदा गया और वह 2 साल तक पड़ा रह गया, 2 साल तक पड़ा रह गया, धूल मिट्टी पड़ा, पुराना हो गया मशीन। जब मशीन जब पुराना हुआ तो पर साल उसका 12% रेट से घटता चला गया प्राइस। तो बोला जा रहा है कि 2 साल बाद अब इस मशीन का प्राइस क्या रहा होगा, अब ये मशीन कितना बिकेगा। सेम क्वेश्चन है वही कि एक मशीन जो था वो अवमूलन हो रहा था, उसका रेट का अवमूलन हो रहा था, रेट में कमी हो रहा था, रेट डिप्रेशन में जा रहा था, गहराई में जा रहा था, डीप में जा रहा था, माइनस में जा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे अमाउंट का लगाएंगे फार्मूला, लेकिन कुछ सावधानी बरतने के बाद ही लगाएंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस वन, जब गिरावट आए तो माइनस, गिरावट आए तो माइनस, बट्टा रेट बाय 100 to the power n। फार्मूला सेम है, गिरावट है इसलिए लगा दिए हम लोग माइनस। तो हम लोगों को पता है इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है मशीन का, तो मशीन का प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो 7,000 है। जबकि किस रेट से गिरावट आया है, तो 12% सालाना गिर रहा है, तो बोला जा रहा है 2 साल बाद इसका क्या वैल्यू रह जाएगा, 2 साल बाद क्या होगा वैल्यू मशीन का, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर हम लोग को क्या पता है, टाइम पता है कि 2 साल है टाइम, 2 ईयर्स टाइम पता है। तो बोला जा रहा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, किसका इट्स मतलब किसका, मशीन का वैल्यू। तो आफ्टर 2 ईयर मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू, बोले थे गिरावट आया है तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 माइनस रेट बाय 100 to the power n, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 7,000 रुपया, 7,000 वन माइनस रेट क्या है 12/100 और समय क्या चल रहा है 2 साल का। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग ये काट सकते हैं, 4 के पर हमें 4 तिहाई 12 और 4 के 25 चौका 100, यहां से आ गया है 7,000 × 1 − 3/25 2 जबकि आ जाता है 7,000 एलसीएम क्या दिया यहां से 25 और यहां से तुम्हारा रिजल्ट दे रहा है 25 माइनस का है 3, तीन सही बात है, 25 माइनस का है 3, यानी कि आ जाता है यहां से 7,000 × 25 में से 3 गया, स्क्वायर हम लिखेंगे ना, हाँ 25 में से 3 गया तो 22 बट्टा में है 25 और इसका चढ़ा हुआ है स्क्वायर, यानी कि हो गया 7,000 × 22 / 25 25 के टेबल में 280 से कट गया ये, और 25 के टेबल में नहीं 5 के टेबल में 5 टाइम और 5 के टेबल में 56 टाइम कैंसिल हो गया, सबको मल्टीप्लाई किया 27,104 और बाय 5 रुपीज आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5420.80 अपना ये आंसर होगा, यानी कि 2 साल बाद उस मशीन का प्राइस जो है गिरकर हो गया है 5420.80 और यही इसका फाइनल आंसर है। तो चलो इसको कर लो तुम लोग नोट, मजा आया और मैं ये जो मजा है, अच्छा रहा है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।